और अब बात कर लेते हैं युवराज सिंह की। युवराज को 1% से विराट उम्मीद है। वैसे तो लोगों को लग रहा है कि युवराज का गेम ओवर हो चुका है, लेकिन सिक्सर किंग ने अभी हिम्मत नहीं हारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर युवराज की वापसी होगी कैसे, क्योंकि अब तो वो IPL में भी किसी टीम का हिस्सा नहीं है। टीम इंडिया में बन रही है युवी की कोई जगह, ना ही IPL में किसी को रास आ रहे हैं सिक्सर किंग। एक समय अपने बल्ले से छक्कों की बरसात करने वाले युवराज सिंह के दिन अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ सालों पहले युवराज सिंह के बिना कोई भी टीम इंडिया को सोच नहीं सकता। नीली जर्सी में युवी हर जगह अपना कहर बरपाते, घरेलू सरजमीन या फिर विदेशी जमीन, युवराज हर जगह रनों की बारिश करते थे। एक ओवर में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड भी युवराज सिंह के ही नाम है। लेकिन पिछले कुछ समय से युवी मैदान पर तहलका नहीं मचा पा रहे। टीम में वापसी नहीं कर पाने का गम अब युवराज को भी होने लगा है। बैंकॉक में एक इवेंट के दौरान युवी अपने फैंस से बात करते हुए भावुक हो गए। युवराज ने फैंस से बात करते हुए कहा कि 99% लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा करियर खत्म हो चुका है, लेकिन 0.1% लोग हैं जो आज यहाँ हैं। वो मुझसे कहते हैं कि युवी तुम वापसी कर सकते हो। अपनी बात रखने के तुरंत बाद युवी स्टेज पर ही भावुक हो गए और फैंस ने भी युवी को निराश नहीं किया और उनका हौसला बढ़ाया। दरअसल टीम इंडिया में तो युवराज लंबे समय से जगह नहीं बना पा रहे हैं, साथ ही पिछले IPL में युवी के खामोश बल्ले का खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा और उनकी IPL फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। IPL 2018 में युवराज सिंह ने 8 मैचों में 10.83 के खराब औसत से मात्र 65 रन ही बनाए थे। अब युवराज के बल्ले में पहले जैसा दम नहीं रहा। युवराज अब सिर्फ घरेलू क्रिकेट में ही मैदान पर दिखते हैं, लेकिन बैंकॉक में फैंस का प्यार देखकर युवराज खुद को रोक नहीं पाए और भावुक हो गए। और अब बात विराट के पृथ्वी की। पृथ्वी शॉ कंगारुओं पर विराट अटैक के लिए तैयार है और इसका ट्रेलर पृथ्वी ने दिखाया है न्यूजीलैंड में, जहां की पिचें ऑस्ट्रेलिया से भी तेज मानी जाती हैं। लेकिन पृथ्वी ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ दोनों ही पारियों में शानदार बल्लेबाजी की है।